हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम फिजिक्स से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका फिजिक्स सीरीज का थर्ड पार्ट है, यानी इससे पहले भौतिक विज्ञान के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसपे हमने 60 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फिलहाल आज के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उसमें पूछ रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है। यानी यहाँ जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें आपको फिल करना है। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है व्युत्क्रमानुपाती एंड समानुपाती, समानुपाती एंड व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक किस ध्रुव के निकट होता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी। यानी पृथ्वी का जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव होता है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा, उसके सिरों की तरफ घटती है, उसके सिरों की तरफ जाने से बढ़ेगा, ये सभी जगह एक जैसा रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जगह एक जैसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा साधन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनामो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या इंडक्टर? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, सोलेनाइड, इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक आयरन? तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। लैंग्वेज डिफरेंट है, मीनिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 2 बल्ब 15 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? 150 वाट, 60 वाट, दोनों का समान प्रतिरोध होगा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है 60 वाट। यानी 2 बल्ब जो 15 वाट और 60 वाट हैं इनमें से 60 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो किससे बनी होती है? तांबे से, लोहे से, सीसा से या टंगस्टन से? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब में आपने देखा होगा कि अंदर फिलामेंट होता है, उसकी एक तार भी लगी होती है, तो वो टंगस्टन की बनी होती है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक श्रृंखला परिपथ में 3 प्रतिरोध 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हों तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? यानी इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। और यहाँ जो आपके पास ऑप्शन है वो है 330 ओम, 610 ओम, 720 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो इसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे आपको निकालना है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 610 हो जाएगा। कैसे? ये एक सीरीज में लगे हुए हैं तो हम क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर लेंगे। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो 610 ओम आएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 प्रतिरोध जो हर एक यानी प्रत्येक 2 ओम के हैं, 2 ओम के हैं, तो परिपथ में 3 ओम का प्रभावी प्रतिरोध पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? 2 प्रतिरोध समांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में, 2 प्रतिरोध श्रृंखला संयोजन में और एक उनके समांतर संयोजन में, या तीनों श्रृंखला संयोजन में या तीनों समांतर संयोजन में? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 प्रतिरोध समांतर संयोजन में जोड़ेंगे और उनके एक जो होगा प्रतिरोध उसे हम श्रृंखला संयोजन में जोड़ेंगे, तब हम 3 ओम का प्रभावी प्रतिरोध पैदा कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज से जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है? ऊर्जा मीटर के आसपास जोड़ा जाता है, विद्युन्मय तार पर जोड़ा जाता है, उदासीन तार पर जोड़ा जाता है या भू तार पर जोड़ा जाता है? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युन्मय तार पर जोड़ा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी साधन को क्या कहते हैं? यानी अगर हमें एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना हो तो किसका हम प्रयोग करेंगे? ट्रांसफार्मर का, रेक्टिफायर का, इंडक्शन कॉइल का या डायनामो का। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। फिर कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, यानी कंडक्टर विद्युत का सबसे अच्छा कौन है, लोहा, कॉपर, सिलिकॉन या सिरामिक। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर, यानी तांबा जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंधेरे में फोटो खींचने हेतु प्रयुक्त विकिरण है, दृश्य विकिरण, माइक्रोवेव विकिरण, अवरक्त विकिरण या गामा विकिरण। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वाष्पीकरण की दर घटती है तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता में वृद्धि होने पर, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर या वायु के वेग में वृद्धि होने पर। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब आर्द्रता के में वृद्धि होगी तो आप वाष्पीकरण की जो दर होगी वो घट जाएगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है जिससे वह अपने प्रज्वलन ताप पर पहुंच सके, लकड़ी की खपत कम हो, उसके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले या दहन धीरे धीरे हो। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले। यानी जब भी लकड़ी के लट्ठे जलाए जाते हैं तो बीच में थोड़ी जगह छोड़ जाती है कि वायु जब एयर है वो क्रॉस होती रहे, तो उससे क्या होगी कि लकड़ी को जलने में सहायता मिलेगी और जल्दी जल जाएंगी। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाना किस तापक्रम पर समान होते हैं, यानी ऐसा कौन सा तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है जिससे सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों पैमाने समान होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -32 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आपका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि थर्मोस्टेट एक यंत्र है जिसका उपयोग होता है, किसके लिए होता है, धारा प्रवाह के मापन में, वोल्टेज की तीव्रता के मापन में, तापमान के नियंत्रण में, ध्वनि के वेग को नियंत्रित करने में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तापमान के नियंत्रण के लिए थर्मोस्टेट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग, शीतलक का उपयोग इसके लिए किया जाता है, गर्म वाष्प को ठंडा करने तथा इसे जल में संग्रहित करने के लिए, जनित कुंडलिनियों का ठंडा करने और अति ऊष्मन की रोकथाम के लिए, टरबाइन चलाने के लिए, वाष्प निर्मित करने के लिए या ऊष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऊष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए हम क्या करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का सोर्स क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का विखंडन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन, प्लूटोनियम न्यूक्लियस का विखंडन या प्लूटोनियम न्यूक्लियस का संलयन। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है बी, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन। तो क्या होता है, सूर्य की जो ऊर्जा का सोर्स है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन, विटामिन या किलो कैलोरी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, कार्य क्षमता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊर्जा क्षमता या ऊष्माधारिता। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है या द्रव्यमान घटता है। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्मोस्टेट साधन के लिए है, विद्युत उपकरण को स्विच ऑफ करने के लिए, तापमान को मापने के लिए, तापमान नियमन के लिए, ऊष्मा उत्पादन के लिए। यानी थर्मोस्टेट जो आपका उपकरण है वो किसके लिए होता है, यहाँ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तापमान नियमन के लिए। यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस वीडियो में हमने टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हुए थे फिजिक्स सीरीज के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपकी फर्स्ट सीरीज फिजिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके जो डाउट है वो क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।